किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे टमाटर में लगने वाले फ्रूट बोरर यानी फल छेदक कीट के बारे में। इस कीट का वैज्ञानिक नाम हेलिकोवर्पा आर्मीगेरा है। किसान भाइयों, यह कीट टमाटर की फसल में लगने वाला सबसे खतरनाक कीट है, जो फलों में छेद करके उनको खराब कर देता है और फिर ऐसे फल जिनमें छेद हों वो बाजार में बिक भी नहीं पाते हैं। इस कीट के टमाटर की फसल में अटैक होने पर किसान भाइयों का लगभग 80% फसल का नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, इस कीट के यंग लार्वा टमाटर की कोमल पत्तियों और कोमल टहनियों को खाते हैं, लेकिन अडल्ट लार्वा जो होते हैं, जो वयस्क लार्वा होते हैं, वो टमाटर के फलों में गोल छेद करके उनमें अंदर घुसकर फल को पूरी तरीके से खा देते हैं, जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अब बारी आती है कैसे इस कीट की रोकथाम की जाए। यदि टमाटर के फलों में इस कीट का अटैक हो गया हो तो इन सभी टमाटरों को तोड़कर जलाकर आप नष्ट कर दें। टमाटर की तुड़ाई करने के बाद यदि आप जुताई की अवस्था में हों तो अपने खेत में गहरी जुताई करें, ताकि इस कीट के जो प्यूपा मिट्टी में छिपे रहते हैं वो मिट्टी की ऊपरी सतह में आ जाएं और पक्षी इन प्यूपा को खा देते हैं, जिससे आपके खेत में इन प्यूपा की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। आप गेंदे के पौधों को ट्रैप क्रॉप के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक लाइन गेंदे के पौधे की लगानी है खेत में टमाटर के, और 16 लाइन टमाटर के पौधों की लगानी है। इसी प्रकार से पूरे खेत में आपको 1:16 के अनुपात में गेंदे और टमाटर के पौधे अपने खेत में लगाने हैं। इस कीट के वयस्क मौत को आकर्षित करके मारने के लिए आप लाइट ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टर के हिसाब से भी अपने खेत में लगा सकते हैं। शुरुआती अवस्था के लार्वा को मारने के लिए 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का आप स्प्रे कर सकते हैं अपने खेत में। आप 250 से 300 लार्वल इक्विवेलेंट NPV के प्रति हेक्टेयर की दर से भी अपने खेत में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं NPV को।